टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने अपने खेल और अच्छे कोच की भूमिका में सुर्खियां खूब बटोरी हैं, लेकिन अभी जो सुर्खियां वो बटोर रहे हैं वो क्रिकेट की वजह से नहीं। बता दें कि पूर्व ऑलराउंडर का नाम हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस निमरत कौर के साथ जुड़ा, जिसमें इनके अफेयर की बातें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शास्त्री और कौर 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही सेलिब्रिटी जिन खबरों को बकवास करार दिया था, वैसे शास्त्री के साथ कौर का नाम जुड़ना कोई पहला विवाद नहीं है। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय रहे हैं और उनका पहले भी कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ नाम जुड़ चुका है। 1980 के समय की अगर हम बात करें तो पूर्व क्रिकेटर का नाम अमृता सिंह से भी जुड़ा था। तब ऐसी खबरें आई थी कि रवि शास्त्री और अमृता सिंह ने शादी कर ली है। बता दें कि अमृता सिंह सैफ अली खान की पूर्व पत्नी थी। टीम इंडिया के लिए 80 टेस्ट और 150 वनडे खेलने वाले शास्त्री ने करारा जवाब देकर खबरें बनाने वालों पर तगड़ा वार किया था उस समय। और इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट के मुताबिक शास्त्री और सिंह ने 1986 में सगाई भी कर ली थी, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो सकी क्योंकि क्रिकेटर को महसूस हुआ कि यह साझेदारी आगे नहीं चल सकती। शास्त्री के हवाले से तब कहा गया था उस समय कि मुझे एक्ट्रेस पत्नी नहीं चाहिए, मैं देशभक्त हूँ, मेरी पत्नी की प्राथमिकता हमारा घर होना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।